अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आयशा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल यमी फूड जायका। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ चीज़ी कटलेट्स, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार, देखने में शानदार। आइए चले हम इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। चीज़ी कटलेट्स बनाने के लिए मैंने तकरीबन ली है 1.5 किलो आलू, 1 चिकन ब्रेस्ट, मटर, गाजर, एक अदद शिमला मिर्च, हरा धनिया, पुदीना। सबसे पहले मैं बॉयल इंग्रेडिएंट आपको बता देती हूँ। 1.5 किलो आलू और चिकन जो बॉयल हमें करना है, मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया है और उसे थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मटर लिया है। अभी हम इनको तीनों चीज़ों को बॉयल करने रखते हैं। अब हमारी जो बॉयल की चीज़ें वो तैयार बॉयल हो रही हैं। 1.5 किलो आलू है, तकरीबन 1 पाव मटर है और चिकन जो है एक ब्रेस्ट, और सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है क्योंकि जो चिकन कटलेट्स हमारे जो ये बनते हैं वेजिटेबल कटलेट्स, मज़ेदार से यमी कटलेट्स, चीज़ी कटलेट्स, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा ही होना तो अच्छा लगता है, जायके में भी मज़ेदार और खाने में भी मज़ेदार होता है। सबसे पहले हम अपनी जो वेजिटेबल मैंने ली है उसको कटिंग कर लेते हैं। गाजर और शिमला मिर्च, 1 अदद शिमला मिर्च को मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है और गाजर को कद्दूकस कर लिया है। और जो शिमला मिर्च है मैंने उसको बहुत ही प्यार छोटे अंदाज में काटा है। जो मैंने चीज़ें रखी थी फिर बॉयल करने के लिए, तकरीबन बॉयल हो चुकी हैं। आइए फिर मैं आपको बता देती हूँ, ये चिकन का जो ब्रेस्ट पीस है मैंने इसको रेशा रेशा कर लिया है। इसको श्रेडेड कर लेना है, फॉर्क की मदद से आप इसको श्रेडेड करें। देखिए कितनी प्यारी लग रही है चिकन हमारी श्रेडेड। इसको छोटे छोटे आप इसको रेशा कर लें, क्योंकि कबाब में ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देंगे। जो मैंने गाजर और शिमला मिर्च काट के रखी थी इसको मैंने हल्के से ऑयल तेल में सोते कर लिया है, और इसको क्योंकि ये थोड़ी सी नरम हो जाएंगी तो खाने में मज़ेदार भी हो जाएंगी। शिमला मिर्च और गाजर को आप हल्की आंच में इसको थोड़ी देर के लिए सोते कर लें। इसके बाद आइए हमारी जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं वो तैयार हैं। सबसे पहले मैंने जो आलू जो बॉयल किए थे पोटैटो, उसको मैंने मैश करके रख दिया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स मेरे सामने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे मैश्ड आलू पोटैटो हैं इस पे हम अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। आलू को अच्छे से मैश कर लेना है ऐसे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। फिर 1 अदद मैंने मैगी ली है, बॉयल मैगी पैकेट, कुछ ऐसे चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डाली हैं जो बच्चों को बहुत ही पसंद आती हैं। जब बच्चों को चीज़ें अपनी पसंद की चीज़ें खाने को नज़र आती हैं तो वो मज़े लेके खाते भी हैं। इसके बाद मैंने तमाम स्पाइसेस जो मैंने लिए हैं, ये है कुटी हुई लाल मिर्च 1 अदद, हरी मिर्च छोटी छोटी बारीक काट लें, फिर इसमें चाइनीज सॉल्ट, और इसमें लिया है मैंने अदरक लहसुन और थोड़ा सा चाट मसाला। तकरीबन सब इंग्रेडिएंट जो हैं ये 1/2 टीस्पून हैं, आप इसमें मिक्स कर लें। ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं ज़बरदस्त हैं, जो जायका देंगी। इसके बाद मैंने जो तमाम वेजिटेबल ली हैं, हरा धनिया, पुदीना और मटर जो लिए थे मैंने, इसको हल्का सा मैश कर लिया है क्योंकि मटर के दाने जब फूल नज़र आते हैं तो बच्चे निकाल देते हैं। इसको आप हल्के से मैश कर लें ताकि बच्चे इंजॉय करें। गाजर और शिमला मिर्च जो मैंने दो सौते किया था, इसमें हम इसमें पीस आलू के मैश्ड आलू में ऐड करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स आप इसमें ऐड कर दें, और आप यकीनन मैं ये रेसिपी हमेशा बनाती रहती हूँ घर पर। ये मेरी अपनी रेसिपी है, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं वेजिटेबल कटलेट्स और चीज़ी कटलेट्स भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें चीज़ मिलाऊँगी। और जो बॉयल मैंने चिकन की है ये रेशा रेशा कर लिया है, इस चिकन को भी मैं अपने बॉयल पोटैटो में ऐड करूँगी। आप इसको इसमें ऐड कर दें, मिक्स करना है, और 1 अदद नींबू इसमें ज़बरदस्त से निचोड़ दें, क्योंकि इसमें जो खटास चाट मसाले की और जो नींबू की आएगी तो हमारे चीज़ी चिकन कटलेट्स जो हैं, आप इसे कटलेट्स कह लें या कबाब कह लें, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हैं। बिलीव मी डैट, जब हम इसे खाएंगे तो अपने हाथों को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों की पसंदीदा डिश भी है, मैं अक्सर इसे बनाया करती हूँ। और ये हमारी तमाम इंग्रेडिएंट्स तल चुकी हैं इसमें, अब इसको अच्छी तरीके से आपको मैश कर लेना है।
आप तमाम इन्ग्रीडियंट को अच्छे से मिक्स करें ताकि हमारे जो ये कटलेट्स हैं वो बहुत अच्छे तैयार हों। ये मेरा मिक्सचर तैयार हो चुका है वेजिटेबल कटलेट्स और चीज़ी कटलेट्स का। इसे हम थोड़ी देर मैरिनेट करके रख देंगे। थोड़ी देर बाद इसे हम कबाब बनाने की शक्ल देंगे और ये सब हमारा तैयारी है। आइए इसके कबाब की हम तैयारी करते हैं चीज़ी कटलेट्स की। कुछ चीज़ के मैंने एक अदर चीज़ लिया है, उसे स्क्वायर क्यूब की शक्ल में काट लिया है और साइड में रखे हैं। जब मैं कबाब बनाए जाऊँगी तो इसमें मैं ऐड करूँगी। आप अपने हाथ में अपने मुताबिक आपको जो लेना है, मैं तकरीबन अपने पाम के मुताबिक हथेली के मुताबिक अपना मिक्सचर लूँगी कबाब में। कबाब के बीच में एक चीज़ी क्यूब रखूँगी। इसको अच्छे से शक्ल देकर खूबसूरत सा मज़ेदार सा कबाब हम बनाएंगे। आप इसे कबाब कहें या कटलेट्स कहें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं इसे कटलेट्स ही कहती हूँ। लेकिन ये मेरी अपनी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर इंजॉय करें, बनाएं और बच्चों को खिलाएं। ये मेरा दावा है कि आपके बच्चे एक कबाब नहीं, दो कबाब नहीं, तीन से चार कबाब मांगेंगे खाने के लिए केचप के साथ, क्योंकि मेरे बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। मैं अक्सर इसे बना के अपने बच्चों को ज़रूर देती हूँ। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें वेजिटेबल भी डले हैं और इसमें चीज़ है, तो ज़ाहिर बात ही हेल्दी तो होगा। आप एक से दो कबाब भी आपके लिए लंच के लिए या आपके ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी हैं, या आप शाम के टाइम पे आप सर्व करें मेहमानों को या अपनी फैमिली जब आपकी हो तो आप इसे बनाएं। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे कबाब लग रहे हैं। इसी तरीके से मैंने अपनी हथेली में आप थोड़ा सा ऑयल लेके अच्छे से शेप दें, फिर बीच में दोबारा से अच्छा सा चीज़ क्यूब रखें, फिर इसको कटलेट्स की कबाब की शक्ल दें। यकीनन आपको बनाने में भी मज़ा आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं जब हरी भरी चीज़ें होती हैं, सब्ज़ियाँ डलती हैं, तो ज़ाहिर बात से सब्ज़ियों में तो वैसे भी वाइटामिनस हैं और हेल्दी होती हैं। चीज़ भी बच्चों के लिए सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आप इसे बनाएं, ट्राई करें, इंशाल्लाह हो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए माशाल्लाह मेरे तकरीबन 1.5 किलो आलू और एक बेस्ट चिकन पेस्ट में ये तकरीबन मेरे 30 से 35 मेरे कबाब बन के तैयार हुए हैं। देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, जब इसे खाएंगे तो और ही लजीज और शानदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कबाब्स तैयार हैं, तमाम कटलेट्स तैयार हैं। आप जो चाहे इसका नाम रख लें, लेकिन मेरी तरफ से इसका नाम चीज़ी कटलेट्स है। इसके बाद हम एक प्रिपरेशन करेंगे। एक अदद अंडा और कुछ ब्रेड क्रम्स लेना है। फिर आपको इसमें जो आपने अंडा लिया है इसको अच्छी तरीके से आप इसको फेंट लें। एक पैन में आप ऑयल डालें, ऑयल में फिर प्री हीट होने तक इंतज़ार करें। फिर आप अपने कबाब को सबसे पहले अंडे में डिप करके फिर आप जो हमारा ब्रेड क्रम्स है उसमें हल्के से डिप करें और इसकी अच्छी सी कोडिंग कर दें। आप चाहें तो डबल कोडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंगल कोट ही किया है। और फिर आपका जो प्री हीट ऑयल है आप इसमें हल्के के फ्राई करते जाएँ। और ये जो हमारे कटलेट्स तैयार होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार हैं, और इसी टाइम पे आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें बनाकर। मैंने तकरीबन अभी कटलेट्स फ्राई करने, आप इसको शैलो फ्राई करें, शैलो फ्राई मीन आप हाफ ऑयल में लेके करें, आप इसको डीप फ्राई ना करें। शैलो फ्राई में होगा कि दोनों तरफ जो कोडिंग हमने की है वो अच्छे तरीके से फ्राई होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे, क्योंकि चीज़ है इसमें तो चीज़ का तो मज़ा अलग ही होता है। पनीर हम मैंने डाला है, पनीर के टुकड़े। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं ये हमारे कबाब रेडी होकर, फ्राई होकर, गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई हो रहे हैं, खूबसूरत कलर निकल के आ रहा है। जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो हमारे मुंह पे खुद ही पानी आ जाता है। माशाल्लाह से हमारे वेजिटेबल कटलेट से चीज़ी कटलेट, क्योंकि मैंने इसमें वेज भी डाला है, वेजिटेबल्स भी डाले हैं, चीज़ भी डाला है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मज़ा ये जो कटलेट्स दोबारा कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब वेजिटेबल्स कटलेट्स तैयार हैं बनके। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको हो कि पसंद आएंगे। अब मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कि कैसे लगे। मेरे बच्चे पीछे खड़े हैं और इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मा हमें टेस्ट करवाएंगी। और जो बच्चे हैं मेरे चटपटे, बहुत चटपटा खाना पसंद करते हैं और इनको कबाब तो बहुत ही पसंद है,
काफ़ी अर्से से मैं इनको बना के ज़रूर मंथ में एक से दो दफ़ा ज़रूर बनाती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद है। आप भी खाएँ, अपने बच्चों को बना के खिलाएँ और इन्जॉय करें। होप कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। मैं जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जाते हुए, और कमेंट्स करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।